ये बैक साइड से दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ी सी मिसाइल है, रॉकेट है, ऐसा लगता है देखने से। के लिए स्पेशल यहाँ हमेशा एंट्रेंस पे रखा हुआ रहेगा ताकि जब आग लगेगी बुझाने के लिए तो पहले स्टार्ट इससे करें। तो जैसे कि आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं, ये गैस की बहुत बड़ी टैंकी है जो अनलोड हो रही है। तो आइए हम इसको पास से देखते हैं, कितनी बड़ी टैंकी है। देखिए ये तकरीबन दोपहर गैस फिलिंग कंपनी की है गाड़ी। तो देखिए गैस अनलोड हो रहा है। तो ये हमारी कंपनी है आलव दुफार, इसमें जो है ये गैस प्लांट है जिसे हम लोग यूज़ करके स्टीम, पानी को स्टीम करते हैं। जैसे कि वो आपके सामने दिख रहा है, वहाँ पर जाता है ये गैस का जो पाइपलाइन है पूरा, तो स्टीम करके ये फीड में डाला जाता है। तो ये देखिए गैस अनलोड हो रहा है। तो देखिए आज गैस अनलोड कैसे होता है। ये मशीन है गैस अनलोड होने वाली, ये रेडिंग है गैस की, ये पूरी गैस की मशीन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। इसमें जो है सो 26 टन गैस आता है। तो देखिए सेफ्टी फर्स्ट है हर गाड़ी में। आपको विदेश की हर गाड़ी में आपको ये फायर वाला ज़रूर मिलेगा, आपको आग बुझाने वाला। 80% हमारे इंडिया में, बांग्लादेश पाकिस्तान में इस चीज़ की उतनी वो नहीं करते, अनदेखी कर देते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पर हर गाड़ी में आपको ये फायर वाला मिलेगा। और एक एक चीज़ गाइस आप देख रहे होंगे, दूर दूर तक आपको सिर्फ कॉन्क्रीट नज़र आ रही है, फतरे। ये फतरे इसलिए डालते हैं यहाँ पर छोटी छोटी कॉन्क्रीट ताकि इसमें कोई झाड़ ना आए। अगर झाड़ आ जाएगा तो ख़तरा बढ़ जाता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं दो चार झाड़ है यहाँ पर, घास वगैरह आए तो मतलब ख़तरा है, क्योंकि यहाँ पर धूप क्लाइमेट ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से क्या ऑटोमेटिक आग लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके लिए हर जगह में आप देखेंगे प्लांट में गैस के आपको यही मिलेंगी, जहाँ पर कॉन्क्रीट वगैरह फतरे हुए जो भी है। तो ऐसी चीज़ें रखते हैं जहाँ पर झाड़ अपने आप ना आए, लेकिन फिर भी यहाँ पर बारिश वगैरह होने की वजह से इस बार ये छोटे मोटे जो झाड़ दिख रहे हैं अभी इसको पूरा सफाई करने का काम बाकी है। तो इसमें क्या है, हर हफ्ते में मेंटेनेंस होता है। यहाँ पर मटेरियल यूज़ किया हुआ है ताकि टैंकी को कुछ फ़र्क ना पड़े अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो। 26 टन की ये गैस की टैंकी है। और ये हमारा प्लांट है, ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारा प्लांट है दुफायर कैटल फीड, ये ओमान में है। तो तकरीबन ओमान में गैस और डीजल पेट्रोल जैसे चीज़ें हैं ये बहुत ही सस्ते दामों में मिलते हैं, तो इनको ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है इस कंट्री में ये चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए। इनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अभी इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पर गैस भी महंगा हो रहा है दिन पे दिन प्रतिदिन। और जो है सो अपना इंडिया में भी हर जगह में आप लोग देख रहे हैं जैसे कि हर चीज़ में इजाफा हो रहा है कीमतों में, सैलरी कम हो गई है और सामान का रेट ज़्यादा हो गया है। जैसे कि अभी आप लोग ये प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांट में देखिए कितनी सेफ्टी है यहाँ पर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं अभी, अगर ये फायर वाला है इसके अंदर पूरा पानी है, और एक एक है फॉर्म वाला जैसे कि अगर कुछ घटना हो जाए यहाँ पर, कुछ हादसा हो जाए तो इसके लिए हर टाइम हर चीज़ सेंसर से लेस है, सब चीज़ रेडी है। अगर कुछ इधर में प्रॉब्लम आ जाए, इमरजेंसी जैसे सिस्टम आ जाए तो यहाँ पर आग बुझाने के सिस्टम भी है। जैसे देखिए अभी आप देख रहे हैं इसका प्रेशर इतना है गाइस, ये यहाँ से बहुत स्पीड में जब पानी इसको खोलते हैं तो स्पीड में सीधे ये जाएगा कहाँ पर, देखिए इसका इशारा कहाँ पर है, ये रह गया आपका बिल्कुल टैंकी में जाएगा। यहाँ से जब हम ये वॉल खोलेंगे तो पानी सीधा उस टैंकी पर जाके गिरेगी, अगर बाई चांस कुछ हीट हो गया, गर्म हो गया
तो उसके लिए हर टाइम यहाँ पर रेडी है हर सिस्टम। ये देखिए, तो ये टैंकी आती है महीने में, हफ्ते में एक बार आकर इस टैंकी में फुल भर के जाती है साम हर चीज़, गैस वगैरह जो भी है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे ये आप देख रहे हैं फिल्टर, ये फिल्टर है, इसमें भी फिल्टर होता है प्लांट में, ताकि जो कचरा वगैरह है वो इस फिल्टर में जमा होता है। तो जब ये पाइप जो दिख रहा है आपको लंबा, इसको खोलकर ये खाली करते हैं, साफ़ करते हैं, इसमें भी एयर लेता है ना जिस टाइम में, तो एयर उसको खाली करने के लिए। ये देखिए प्लांट का रूम है।